हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत से ट्रेडर्स जो हैं, ऑलमोस्ट आपको 95% ट्रेडर जो है स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं मनी। तो हम लोग देखने वाले हैं जो क्यों लूज करते हैं। तो अगर आप भी लूज कर रहे हैं तो क्या गलतियाँ आप जो हैं कर रहे हैं, जिसपे कि आप जो है अगर काम करेंगे तो आप जो है आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कोई एक चीज़ जो आप मिस कर रहे हो अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो आपका भी जर्नी जो है वो आपको एक लॉस से आपको प्रॉफिट मेकिंग में आ जाए। तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये सभी चीज़ें जो हैं ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और भी बहुत से सारे ट्रेडर्स ने एक्सपीरियंस किया है। और ये सभी चीज़ें जो है आपको आगे काम आने वाली है जब आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और भी ट्रेडर का भला हो जाए। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी बातें बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और जिससे कि मेरा ट्रेडिंग जर्नी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो हो सकता है आप भी अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका भी ट्रेडिंग जर्नी जो है टर्न अराउंड हो जाए। आप जहाँ पे लॉस कर रहे हैं आप वहाँ पे प्रॉफिट करने लगे। इसलिए आप लोग जो है एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये जो है सभी के लिए है, जो आपको प्रॉफिट कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो लॉस कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली है ही। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यहाँ पे आपको लास्ट तक वीडियो देखेंगे उनके लिए कुछ बोनस भी है, तो हम लोग जो है वो भी लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है पहले वीडियो देखिए और उसके बाद फिर हम लोग बोनस पॉइंट पे भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आखिर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आपको स्टॉक मार्केट में क्यों मनी को लूज करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप नितिन कामत जी को देखेंगे जो कि जीरोधा के सीईओ हैं, तो इन्होंने रिसेंटली ही अभी एक ट्वीट किया था। उन्होंने उसमें लिखा था, आई एम सरप्राइज दैट सो मेनी आर सरप्राइज दैट जस्ट 1% ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स मेक मोर देन बैंक फिक्स डिपोजिट ओवर 3 ईयर्स टाइम फ्रेम। तो बैंक का फिक्स डिपोजिट अगर आप देखेंगे तो 6% आपको ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न देता है। और ये बोल रहे हैं जो 1% से भी कम ट्रेडर जो है आपको उस टाइप का रिटर्न जनरेट करता है, मतलब ओवरऑल जो है 6% से भी ज़्यादा का जो है ओनली 1% ट्रेडर जो है आपको रिटर्न जनरेट करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको जीरोधा के सीईओ बोल दें। और इसी टाइप के अगर आप देखेंगे बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं या जो भी एक आपको डेटा है, तो 95% जो है ट्रेडर्स आपको मनी लूज ही करते हैं और बिल्कुल ही बेसिक बातों की वजह से जो है लूज करते हैं। तो आप भी अगर उन बेसिक चीज़ों पर ध्यान दे दीजिएगा तो हो सकता है आपका भी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो टर्न अराउंड कर जाए। तो इस वीडियो में हम लोग जो है दो चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो सबसे पहले आपको जो है क्यों ये हो रहा है और फिर उसके ऊपर जो है क्या किया जा सकता है जिससे कि आपका भी ट्रेडिंग जर्नी इम्प्रूव हो जाए। तो ट्रेडिंग का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ट्रेडिंग में बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है आपको स्ट्रेटजी, फिर होता है रिस्क मैनेजमेंट और फिर होता है आपको साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको सबसे मेजर रोल प्ले करता है। जब आप किसी ट्रेड में रहते हैं तो साइकोलॉजी आपको सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 60% जो है मैंने साइकोलॉजी को आपको रेट किया है, 20% रिस्क मैनेजमेंट है, 20% आपका स्ट्रेटजी है। तो अगर आप इन तीनों चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपका जो है ट्रेडिंग जर्नी जो है बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग सबसे पहला पार्ट में बात करेंगे जो क्यों हम लोग जो है लूज करते हैं, और सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं जो कौन कौन से स्टेप्स लेने से जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग अपने जर्नी को जो है आपको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम लोग अपने जो है लॉस मेकिंग जर्नी को एक जो है आपको सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो है आपको रीजन है वो है स्ट्रेटजी।
अब अगर इस चीज में देखेंगे तो बहुत से मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं जो कि आपको बिल्कुल ही रेंडमली ट्रेड ले लेते हैं, उनको नहीं पता है जो स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करते हैं और सीधा जाके आपको ऑप्शन बाय कर लेते हैं या फ्यूचर ट्रेड कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज है आपको लैक ऑफ स्ट्रेटजी, और आगे हम लोग देखेंगे जो आपको अगर थोड़ा सा भी प्लान करते हैं तो फिर आपको कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे चेंज आ सकता है, कितना ज़्यादा जो है आपका प्रॉफिटेबल होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेटजी। अगर आप लोग भी इस चीज़ को मिस कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, जो आपको अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, प्राइस एक्शन हो, मूविंग एवरेज हो, कोई भी इंडिकेटर हो, सीपीआर हो, पिवोट हो, कुछ भी हो, आपको एक स्ट्रेटजी अपने लिए प्लान करना है जो आखिर आप किस बेसिस पे ट्रेड लेने वाले हो। आगे हम लोग उस चीज को डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपको, अगर आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रेटजी तो है उनके पास लेकिन वो लोग उस डिसिप्लिन के साथ उनको फॉलो नहीं करते, अब होता क्या है जब स्ट्रेटजी आपको सिग्नल देता है तभी वो और चीज को देखने लगते हैं, जो टीवी पे क्या चल रहा है, कोई और इंडिकेटर क्या बोल रहा है, वो अपने स्ट्रेटजी पे आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने स्ट्रेटजी पे बिलीव नहीं करते हैं, जो हाँ यहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी आपको सिग्नल दे रहा है तो हमको यहाँ पे बाई करना चाहिए, अगर सेल का सिग्नल दे रहा है तो मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए, वो उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो सेकंड मिस्टेक ये क्या करते हैं, अगर आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है आपको 60-70% ट्रेडर जो है रेंडमली ट्रेड करते हैं, उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी है बट वो फिर भी रेंडमली ट्रेड करते हैं। सेकंड अगर आप देखेंगे तो बहुत से जो ट्रेडर्स हैं उनके पास स्ट्रेटजी तो है लेकिन वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्ट्रेटजी को भी फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को भी फॉलो करते हैं तो वो लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं, कभी आपको 500 का बेट ले लेते हैं, कभी 1000 का बेट ले लेते हैं, कभी 3000 का बेट ले लेते हैं, वो उनका कोई फिक्स नहीं रहता है जो वो कैसे आपको ट्रेड लेंगे, उनका कोई जो है आपको रिस्क जो है फिक्स नहीं है, जो वो 500 का ही ट्रेड लेने वाले हैं या 5000 का ही ट्रेड लेने वाले हैं, अगर मन किया 10000 का ट्रेड ले लिए, अकाउंट में जितना पैसा है उतना का ट्रेड ले लिए, नहीं अकाउंट में पैसा है तो कम का ट्रेड ले लिए। तो अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, आप स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद होता है जो आपको नॉलेज, नॉलेज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्ट्रेटजी भी है जो फॉलो भी करना जानते हैं, रिस्क भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज किस टाइप का नहीं है, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको पता है जो अभी बाई करना है लेकिन वो बाई क्या कर लेते हैं, वो ऑप्शन में जाके ट्रेड करेंगे, ऑप्शन में भी अगर जाके ट्रेड करेंगे तो वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जाके ट्रेड कर लेंगे। अब उनको थीटा डिके नहीं पता है, जो आपको जो नियर टू एक्सपायरी में ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है या साइडवेज मार्केट चले जाए तो भी प्रीमियम डिके होता है, एट द मनी कैसे काम करता है, इन द मनी कैसे काम करता है, तो ये सभी चीजें जो है उनको नहीं पता है। तो इस वजह से जो है, या फिर आपको कोई और जो है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी जा सकता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल ही ट्रेड में जंप किए और उनको जो है प्रॉफिट चाहिए, वो थोड़ा सा भी जो है आपको पेशेंस रखना नहीं चाहते हैं। तो ये सब जो है आपको एक इमोशनल जो आपको होता है इमोशनल अटैचमेंट या फिर जो है आपको लैक ऑफ साइकोलॉजी, ये चीज बहुत लोग मिस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये है आपको फियर ऑफ लूजिंग, और ये बहुत ही आपको जो बेसिक पॉइंट है, और सबसे ज्यादा जो है आपको ट्रेडर इसलिए लूज करते हैं क्योंकि वो जो है अपना पैसा लूज नहीं करना चाहते, और इसका मैं सबसे बेसिक आपको जो मेन इसका पेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को इस पॉइंट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज बताने वाला हूँ जो आखिर क्यों ट्रेडर जो है आपको लूज करने से डरते हैं। और आपको सिक्स्थ पॉइंट है ईगो प्रॉब्लम,
ये होता है, बहुत से ट्रेडर जो है ये आपको मानने के लिए रेडी ही नहीं रहते हैं जो हाँ मार्केट जो है वो सुप्रीम है, मार्केट अगर अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है तो उनको ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए, या फिर अगर उनका सिस्टम बोल रहा है जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो उनको जो है उस चीज़ को मान लेना चाहिए। लेकिन वो लोग जिद पे अड़े रहते हैं जो नहीं मंथली एक्सपायरी है, हम लोग पूरा मंथ होल्ड करेंगे, हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हम गलत हो ही नहीं सकते। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम, जो हम गलत नहीं हो सकते, मार्केट गलत होगा, ये चीज़ बहुत ही आपको जो है लॉन्ग टर्म में कभी भी इस चीज़ पे आपको पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट आपको सुप्रीम है, मार्केट जो भी करता है वो सही है, मार्केट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मार्केट का मन होगा मार्केट आपको 1 मिनट में पैसा देगा, मार्केट का नहीं मन होगा मार्केट आपको 4 दिन वेट कराएगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, जो आप मार्केट से नहीं लड़ सकते हैं, मार्केट सुप्रीम है, वो जैसा मूव करना चाहेगा करेगा, अगर आपके फेवर में कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके फेवर में नहीं कर रहा है आप वहां से स्टॉप लॉस दे के निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको आगे मौका देगा, लेकिन वहां पे आपको अपना ईगो नहीं रखना है। और सेवन्थ पॉइंट जो है वो है आपको, जो लोग यहाँ पे लर्न करना नहीं चाहते, बहुत से लोग हैं जिसको जिनको कि मैं बोलता हूँ जो आप जो है सीख जाइए, आप जो है सीख जाइए, बेटर होगा। अगर आप ऑप्शन में आप 2,000 3,000 4,000 रुपया आप बर्बाद कर रहे हैं या आप लॉस कर रहे हैं, उससे बेटर है जो आप कहीं पे 1,000 1,500 2,000 रुपया दे के आप थोड़ा बहुत सीख लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप किसी से कुछ भी सीखते हैं तो उन जो भी आपके मेंटर होंगे उनका आप एक्सपीरियंस को लिवरेज कर सकते हैं, उनके एक्सपर्टीज को लिवरेज कर सकते हैं, बहुत से वो ऐसे चीज़ बताएंगे जिसमें कि आप अननेसेसरी का जो है वहाँ पे पैसा आप लगाएंगे, उन सभी चीज़ों से आप बच सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड करने वाले हैं जहाँ पे कि आपका पैसा जाने वाला है, उन सब चीज़ों से आपका बच जाएगा, आपका 2,000 रुपया देने से जो है आपका 50,000 रुपया का नुकसान बच सकता है। वो बस इसलिए कि बहुत से आप जब ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो आपको करने का मन होता है, हो सकता है वो पहले से वो चीज़ करके देखे हुए हो और वो चीज़ जो है आपको नहीं करने का ज़रूरत पड़े और आपका वहाँ पर पैसा बच जाए। तो जरूरी नहीं है जो किसी से आप सीख रहे हैं तो वो आपका वेस्ट है, अगर कहीं पे भी आपको मिल रहा है या कोई भी मेंटर से आप सीखना चाहते हैं या मुझसे ही सीखना चाहते हैं या कोई भी आपके मेंटर है कोई किसी किन्हीं से भी अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस चीज़ को सीखने का ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप सीख के जाइएगा और कहीं ना कहीं वो आपको पैसा उतना बना देगा जहाँ से कि आपका वो फी रिकवर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका बहुत ऐसा पैसा बच जाएगा जो कि आप अननेसेसरी का ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में या कहीं पे भी आपका जो है लॉस होने वाला होगा। और लास्ट पॉइंट है आपको ट्रेड ऑन टिप्स, और ये सबसे आपको जो है बहुत ही मतलब कि खराब बात एक तरह से है, जब भी, क्योंकि एक चीज आप समझिए, जो पैसा आपका रिस्क पे है, आपको कोई अगर ये बोल रहा है जो आप इस चीज को खरीद लो तो देखिए उस चीज में आपको वहां पे कोई भी गलत बात नहीं है, कोई अपने एनालिसिस के रीजन से बोल रहा है जो आप उसको खरीद लो, लेकिन आप उस ट्रेड को कितने अच्छे से समझे हो, आप उस ट्रेड को कब तक होल्ड कर पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है जो आप, अगर आपको कोई बोल रहा है जो आप जो है सपोज करिए जो आप जाके कल निफ्टी को बाई कर लो, अब निफ्टी को बाई करने के बाद उसका क्या प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा, कैसे आगे जब निफ्टी बढ़ेगा तो उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हो, तो ये सब चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ये सब चीज आपको टिप्स देने वाला नहीं बताएगा, तो इसलिए आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको एक अच्छा टिप दिया हो जो कल जाके निफ्टी बाई कर लीजिए, निफ्टी आपने बाय भी कर लिया, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट वो बुक करना आपको नहीं आया, या हो सकता है जो वो आपको बोला जो एक लॉट पे आप देखो आप जाके 4 लॉट ले लिए और उस ट्रेड में आपको लॉस हो गया। तो जरूरी नहीं है जो टिप्स देने वाला ही गलत हो सकता है, टिप्स को फॉलो करने वाला भी गलत हो सकता है, तो इसलिए अगर कोई आपको बोल रहा है जो आप
पर्टिकुलर स्टॉक को जाके बाई या सेल करो, तो उस चीज से पहले जो है आपको ये चीज अब खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, जो अगर इसमें लॉस होगा तो मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ, अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो मैं कैसे एग्जिट करूँगा। ये सभी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, कोई आके आपका हाथ पकड़ के ये चीज नहीं करवाएगा। वो चीज आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज से वो चीज लाना पड़ेगा। तो देखिए, टिप्स अगर आपको मिलता है कहीं से, कोई भी अगर अपने एनालिसिस पे बोल रहा है जो पर्टिकुलर स्टॉक कल बढ़ने या घटने वाला है, तो आप उनकी बात को सुनिए, लेकिन उसके बाद खुद से भी एनालाइज कीजिए जो क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है, आप उस चीज में कंफर्टेबल हैं या नहीं है। हो सकता है आप वो जो स्टॉप लॉस बोले उससे कम स्टॉप लॉस में आप काम कर ले, या जो वो स्टॉप लॉस बोले वो स्टॉप लॉस आप नहीं रखना चाह रहे हो। तो ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना पैसा डालने वाले हो, तो आपको अपना ट्रेड मैनेज करना होगा। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आपको, अगर इन सभी छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोगों का भी ट्रेडिंग जर्नी जो है यहाँ पे आपको और दूसरे लेवल पे जा सकता है। हम लोग भी जो है लॉस मेकिंग से एक प्रॉफिट मेकिंग पे हो सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जो हम लोग इस स्टेप्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपको लैक ऑफ स्ट्रेटजी। तो बहुत से लोगों के पास जो मैंने यहाँ पे आपको देखा है, जो वो लोग किसी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं, सिंपल आपको मन किया बाय कर लिए, मन किया सेल कर लिए, अगर ग्रीन कैंडल देख लिए बाय कर लिए, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल देख लिए आपको सेल कर दिए। तो चीजें ऐसे काम नहीं करती है, क्योंकि आप एक चीज देखिए, ये एक प्लेन चार्ट है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे आके आप कल अगर जाके बाई करते हैं, उसका भी प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर सेल करते हैं मार्केट गिर जाएगा, उसका भी प्रोबेबिलिटी 50% है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी एज नहीं है। अगर आपने बाई किया मार्केट ऊपर चला गया, आपको पैसा मिल जाएगा। सपोज आपने बाई किया मार्केट नीचे गिर गया, आपका पैसा चला जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये बिल्कुल एक प्लेन चार्ट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक लेवल से ड्रॉ कर दिया। अब मुझे एक चीज पता चल गया, जो अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही बाई करना है, इस लेवल के नीचे रहेगा तो मुझे शॉर्ट करना है, बीच में रहेगा इस लेवल के बीच में तो मुझे नहीं कुछ नहीं करना है। तो अब अल्टीमेटली जो है मेरा यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी 50% से बढ़ गया। अब यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी जो है आपको 60-70% हो गया। अब अगर इस लेवल से ऊपर जाएगा तो ही मैं बाय करने वाला हूँ, अगर इस लेवल से नीचे जाएगा तो ही मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो एक सिंपल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, उससे मेरा प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर एक एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे या रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, या फिर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर लेवल मिल जाएगा। फिर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे जो आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपरली पता चल जाएगा जो आपका कहाँ पे एंट्री होने वाला है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, और किस टारगेट तक के लिए आप देखने वाले हो। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग देखेंगे, सपोज बहुत से लोग जो है आपको प्राइस एक्शन में इनिशियल डेज में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको ये वेरिएबल होता है, तो वो लोग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल मैंने 100 और 200 का मूविंग एवरेज यूज किया है। सेम चार्ट है जो इससे पहले हम लोगों ने इस चार्ट को देखा था, सेम चार्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको एक बाय सिग्नल मिला और उसके बाद कितना ऊपर गया, फिर आपको रिट्रेस बैक किया, फिर बाय सिग्नल दिया, अभी करंटली उसी सपोर्ट लेवल पे है। तो अब अगर इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, तो अब आपको एक चीज पता है, जो यहाँ पे मूविंग एवरेज है, अगर इसके ऊपर जाएगा मैं बाय करने वाला हूँ, इसके नीचे आएगा मैं सेल करने वाला हूँ। अब आपका रेंडमनेस कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर आप सेल नहीं करेंगे, इसके नीचे ही सेल करेंगे। तो एटलीस्ट जो है आपका 50% रॉन्ग होने का चांस खत्म हो जाता है, और वहां पे जो है आपका 60% या फिर 60% से ज्यादा चांस आपका हो गया जो आप राइट हो सकते हैं। तो ये चीज जो है आपको प्रोबेबिलिटी के रूप में देखना होगा। आप रेंडमली कहीं पे जाके बाई कर लेंगे, सेल कर लेंगे, वहां पे दोनों केस हो सकता है। अगर आप बाई किए हैं, हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए, हो सकता है मार्केट नीचे चले जाए,
लेकिन यहाँ पे जब आप बाई करेंगे तो यहाँ पे आप मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाई करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो मूविंग एवरेज के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। तो आपके पास एक लेवल है जो आप किस लेवल के ऊपर बाई करने वाले हैं, किस लेवल के नीचे जो है शॉर्ट करने वाले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं चीजें फिल्टर आउट हो जाएगी। बहुत से लोग सुपर ट्रेंड यूज करते हैं, आप भी सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो। सेम चार्ट है, आप सुपर ट्रेंड में देखिए कितना अच्छा एक मूव दिया, फिर उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट का मूव दिया, फिर जो है उसके बाद फिर से बाइंग मूव दिया। तो ये चीज जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा जो है इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। सीपीआर यूज कर सकते हैं, सेंट्रल पिवोट रेंज है, पिवोट यूज कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चीज करने में अच्छा लगता है या फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल को क्या सूट करता है, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप सिंपल सा एक स्ट्रेटजी बना लेंगे, जो मैं सुपर ट्रेंड यूज करने वाला हूँ, या फिर मैं मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूँ, या फिर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूँ, या फिर मैं सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे जो है काम करने वाला हूँ, तो चीजें उसी से आपकी आसान हो जाएगी। आज मैंने एक पूरा जो है आपको वीडियो बना के दिया है प्राइस एक्शन को टॉप टू बॉटम, कैसे वीकली चार्ट, डेली चार्ट, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करेंगे, पूरा का पूरा मैंने एक वीडियो बना के दिया है, जिससे कि आप लोगों बहुत से लोगों को ये रहता है जो सिंपल आपको चार्ट पे कैसे एनालिसिस करते हैं, या हम लोग कैसे ट्रेड को जो है आपको लेवल्स निकालते हैं, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक आपको 25 मिनट का वीडियो है, एक पूरा जो है आपको वीकली चार्ट से लेके 5 मिनट के चार्ट तक एनालिसिस किया है, आप लोगों के सामने लेवल्स निकाला है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, फिर जो है उसके बेसिस पे आप आगे ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट स्टेप। अब आपके पास सपोज आपने एक स्ट्रेटजी बना लिया जो आप मूविंग एवरेज यूज करने वाले हो, या फिर आपको जो है यहाँ पे सुपर ट्रेंड यूज करना है। अब अगर सुपर ट्रेंड यहाँ पे आपको सेल बोल रहा है, इस लेवल पे अगर सुपर ट्रेंड सेल बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे सेल करना है क्योंकि आपका सिस्टम बोल रहा है। अब यहाँ पे आप जाके जो है एमएससीडी से वेरीफाई कीजिएगा, या स्टोकिस्टिक से वेरीफाई कीजिएगा, या जाके ओपन इंटरेस्ट देखिएगा, या फिर जाके आप टीवी पे एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं वो चीज़ सुनिएगा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। अब सपोज यहाँ पे आपको सेल सिग्नल दिया आपका सिस्टम, आप जो है सोचते विचारते सेल यहाँ पे कीजिएगा। अब सेल यहाँ पे जब आप किए, उसके बाद क्या हुआ, आप जो है इसके बाद जो है स्टॉक आपको रिट्रेस कर गया। अब एक तो आपने सेल लेट किया, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक रिट्रेस कर गया। अब जैसे रिट्रेसमेंट होगा और आपका जो है M2M निगेटिव होगा, जो आपका जो है फिर हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आप वहां से क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे, जो गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। आप जो है यहाँ पे प्रॉपरली वेट नहीं करते हैं जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे अगर सपोज सुपर ट्रेंड के बेसिस पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता। अब इसके ऊपर देखिए वो रिट्रेस नहीं किया, वो बस एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट लिया, फिर आपको नीचे मूव दे दिया। अब होता क्या है, रिट्रेसमेंट को लोग जो है कंसिडर नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं, जो जैसे ही मैंने यहाँ सेल किया, स्टॉक जो है आपको तुरंत नीचे आ जाए, या इंडेक्स जो है तुरंत 500 पॉइंट नीचे आ जाए। ऐसा नहीं होता है, अगर आप 200 पॉइंट नीचे जा रहा है तो वो 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट लेगा। तो ये क्या होता है, बहुत से लोग रिट्रेसमेंट में एग्जिट कर जाते हैं, अब फिर से जब यहाँ पे फॉल हुआ, अब फिर से यहाँ पे जंप कर जाएंगे, उसके बाद क्या हुआ, फिर से रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से वो भाग जाएंगे। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा जो मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करता है, वो आपको डराएगा, वो आपको रिट्रेसमेंट करेगा, आपको कभी कभी लगेगा जो आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है फिर भी बच जाता है। बहुत बार ऐसा होता है जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपके डायरेक्शन में आता है। तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है, ये सब चीज़ें आपको मार्केट में चलती है, आपको ये सब चीज़ों में जो है समझना पड़ेगा जो कैसे काम करती है। अगर आपने यहाँ सेल किया है तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ वेट कीजिए, जो आखिर मार्केट कर क्या रहा है। ये देखिए रिट्रेस बैक हुआ, यहाँ पे जो है डेली चार्ट है इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। सपोज अगर डेली चार्ट भी है तो यहाँ पे आपको 6 to 7 days जो है एक आपको अच्छा रिट्रेसमेंट दिया, एक छोटे रेंज में ट्रेड किया, फिर जो है एक आपको बड़ा मूव दिया, फिर आपको 2-3 दिन एक रेंज में ट्रेड किया, फिर बड़ा मूव दिया।
कुछ इसी तरह फिर यहाँ पे आपको 6-7 दिन एक अच्छा रेंज में ट्रेड किया, फिर यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया। तो मार्केट इसी तरह काम करती है, आपको भी इसी तरह सीखना पड़ेगा। एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर देखिए 4-5 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर आपको आगे निकला। तो ठीक उसी तरह छोटे टाइम फ्रेम में भी होता है, जो एक बड़ा कैंडल बना, फिर 5-6 छोटा कैंडल बनेगा, फिर जो है एक बड़ा कैंडल बनेगा, और मार्केट इसी तरह चलता है। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो आपको अगर आपने एक सिस्टम बनाया है, तो उस वो सिस्टम अगर जब भी आपको एक सिग्नल दे रहा है, तो उस सिग्नल पे आप जो है ट्रेड लीजिए। बाय सिग्नल दे रहा है, बाय सिग्नल पे ट्रेड लेना है। शॉर्ट सिग्नल दे रहा है, शॉर्ट सिग्नल पे ट्रेड लेना है। आपको उस टाइम में जाके, जिस टाइम में सिग्नल दे रहा है, उस टाइम में जाके आपको दूसरे सेटअप से वेरीफाई नहीं करना है, या दूसरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके वेरीफाई नहीं करना है जो वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव होना चाहिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। आपका सिस्टम ने बाई दिया, आप वहां पे जाके बाई करो, स्टॉप लॉस अपना प्लेस करो। अगर आप गलत हो गए, आपका स्टॉप लॉस जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। सपोज अगर आपने 10 रुपये का रिस्क लिया है, तो आपका 10 रुपये लॉस होने वाला है। 10 रुपये से 15 रुपये तभी होगा अगर आप उस स्टॉप लॉस को और नीचे करोगे। अगर आप स्टॉप लॉस को नीचे नहीं करोगे, तो मार्केट आपसे 10 रुपया ही लेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस ट्रेड में कितने रुपए देने वाले हो। अगर आप कुछ नहीं स्टॉप लॉस लगाओगे, मार्केट आपसे 100 रुपया भी ले सकता है। ये मार्केट है, ये आपको देख के नहीं चलता है, आपको मार्केट को देख के चलना पड़ेगा। तो ये चीज जो है आपको होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो आपको इंटर तो कर जाते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। सपोज अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो ईगो पे ले लेते हैं, जो नहीं स्टॉप लॉस मेरा कैसे हिट हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है जो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर ट्रेड आप ही के डायरेक्शन में जाता है। तो ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये सब चीजें होती रहती हैं। तो आपको ये सब चीज फिगर आउट करना पड़ेगा, जो आपका स्टॉप लॉस कितना बार जा रहा है। हो सकता है जो 1 से 2 बार ऐसा सीन आया हो, रेस्ट ऑफ द टाइम नहीं आया हो। तो ये सब चीजें आपको अपने स्ट्रेटजी के ऊपर जो है ट्रस्ट करना होगा। इसके बाद आता है आपको रिस्क मैनेजमेंट। सपोज आपने एक अच्छा ट्रेड भी ले लिया, आपने अपने जो है सिस्टम को रेस्पेक्ट किया, ट्रेड ले लिया, एक सही जगह पे ट्रेड लिया। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जो प्रॉपरली आपने अपने बेट नहीं किया हो। अब बेट क्या होता है, सपोज अगर आप 500 रुपये का बेट कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट अगला 50-60 ट्रेड में 500 रुपये ही बेट करना है। क्योंकि उससे क्या होता है, जो अगर सपोज आपने 50 रुपये अभी बेट किया, या 500 रुपये आपने एक ट्रेड में बेट किया, आपने प्रॉफिट कमा लिया 1000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रेड में अगर आप 1000 रुपये का बेट करने जाओगे, और अगर वो लॉस में चला गया, तो आपका 1000 रुपये लॉस में गया हो। नेक्स्ट ट्रेड में फिर आप क्या करोगे, आपका प्रीवियस ट्रेड लॉस में गया था, आप नेक्स्ट ट्रेड में फिर से 500 का बेट लगाओगे, फिर आप जैसे 1000 रुपये वहां पे बनाओगे, नेक्स्ट ट्रेड में आप फिर से 1000 रुपये का बेट करोगे। आपका बेट साइज हमेशा फिक्स होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप 1:2 का लोगे, तो जाके आप जो है लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप 50% ऑफ द टाइम भी गलत होते हो, 50% टाइम में सही होते हो, तो भी आप कुछ ना कुछ रुपया बना के ले जाओगे। वेरिएबल आपको बेट नहीं रखना है, आपको अपने पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना है। आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए, जो पर ट्रेड मेरा इतना रिस्क है, पर ट्रेड मेरा 500 रुपये का रिस्क है, पर ट्रेड मेरा 1000 रुपये का रिस्क है। ऐसे करोगे, ये चीज जो है आपको बहुत फायदा करने वाला है। सेकेंड चीज है, जो कभी भी एक्स्ट्रा रिस्क मत लीजिए। अगर आपका कैपेसिटी है 500 रुपये रिस्क लेने का, तो 500 रुपये ही लीजिए। क्योंकि आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, उतना ज़्यादा आप सोचेंगे ज़्यादा कमाए। और उसके चक्कर में क्या होता है, जैसे ही आपको 600-700 का लॉस दिखेगा, हो सकता है वो नोशनल लॉस हो, वो उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाए, लेकिन आप वहाँ से जो है एग्जिट कर जाओगे, या फिर जो है आप वहाँ पे इमोशनल इम्बेलेंस हो जाओगे, और आप कुछ ऐसा कर दोगे जिससे कि वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ से आपको बचना है। इसके बाद आपको आता है लैक ऑफ नॉलेज। बहुत से लोग जो है जिनको पता ही नहीं है ऑप्शंस के बारे में, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी का क्या होता है, उनको इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है टाइम डिके भी होता है ऑप्शन में,
ऑप्शन बाइंग में आपको क्या क्या लॉस है या फिर क्या प्रॉफिट है, ऑप्शन सेलिंग में क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है। लोग रेंडमली देखते हैं, किसी भी चैनल पे देख लिए जो आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा हो रहा है वो जाके ऑप्शन बाई कर लेंगे, किसी को देख लिए वो ऑप्शन सेल में कमा रहा है आप जाके ऑप्शन सेल कर देंगे। तो एक चीज आप समझिए, इस मार्केट में हर कोई कमा रहा है, ऑप्शन बायर भी कमा रहा है, ऑप्शन सेलर भी कमा रहा है, फ्यूचर बायर भी कमा रहा है, कैश बायर भी कमा रहा है, हर कोई कमा रहा है। आपको क्या सूट कर रहा है ये चीज आपको पता होना चाहिए, आपको प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर कोई पैसा कमा रहा है, ऑप्शन बायर भी कमा रहा है, ऑप्शन सेलर भी कमा रहा है। आपके पास प्रॉपर स्किल है या नहीं है, आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है या नहीं है, उस चीज को आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे, ये सब चीजें आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए ये सब चीजें, ये सब इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए जो हाँ क्या होता है। अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, इन द मनी नहीं पता है, तो ये आप खुद सोचिए जो कितनी बड़ी बात है, जो इन द मनी आउट ऑफ द मनी एट द मनी नहीं पता है आपको, आपको टाइम डिके नहीं पता है, आपको डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये चीज नहीं पता है। देखिए जरूरत पड़े ना पड़े लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको डेल्टा और थीटा का पता होना चाहिए, वो चीज आपको पता होना चाहिए। और सभी लोगों को ये चीज पता होता है जो लोग भी इसमें पैसा बना रहे होते हैं, यूज आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपको नॉलेज रहेगा तभी आप जो है उसको बैक ऑफ द माइंड आपका वो कैलकुलेट होता रहेगा। जब आपको पता ही नहीं रहेगा उस चीज से, आप अनभिज्ञ हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जो ऑप्शन बाई करके आप 1 महीना रखेंगे और हो सकता है स्टॉक आपके फेवर में जाए फिर भी आप लॉस कर बैठे, ऑप्शन बाइंग में यही चीज होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फियर ऑफ लूजिंग। और यहाँ पे जो सबसे जो जरूरी चीज है जिस पे लोग आपको ध्यान नहीं देते हैं, फियर ऑफ लूजिंग का सबसे बड़ा मेन कारण होता है। बहुत से ट्रेडर आपको इसलिए लूज करने से डरते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल होता है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के पास यही कैपिटल होता है। और वो क्या करते हैं, जाके ऑप्शन बाइंग करते हैं, और वो इसलिए लूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है जो अगर ट्रेड ये मैं लूज कर गया तो अगले ट्रेड लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो एक चीज आप जानिए, यहाँ पे क्विक मनी नहीं है, यहाँ पे आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जब तक नहीं रहेगा, इनिशियल डेज में आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिससे कि आपका जब ट्रेडिंग लॉस होगा तो उस चीज को आपको मैनेज करना होगा। अगर आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप जो है वहाँ पे हमेशा लॉस करने से डरोगे, और लॉस करने से डरने के चक्कर में जो है आपको वहाँ पे और ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी लॉस होगा आप निकल जाओगे और कोई भी ऐसा ट्रेड होगा नहीं जो आपको शुरू में लॉस देगा नहीं। तो ये चीज़ आप मान के चलो, जो आप जो है एक्स्ट्रा रिस्क लेना सबसे पहले बंद करो, सबसे पहले 1 दिन में करोड़पति होना बंद करो। बहुत से लोग यहाँ पे है 10,000 का कैपिटल लाते हैं उसको 50,000 करने की सोचते हैं, तो इतना आसान नहीं है। 10,000 का कैपिटल आपका 50,000 होगा, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 साल का समय देना होगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। अगर आप अपने इनिशियल डेज में करने जाएंगे तो आप वहाँ पे डेफिनेटली लॉस करेंगे, और जितने भी आप लोगों को देख रहे हैं जो बड़ा पैसा बना रहे हैं वो मिनिमम जो है उनके पीछे 6 to 7 years वो मार्केट को दे चुके हैं, वो उतना ज़्यादा लॉस कर चुके हैं। दूसरा, उनका कैपिटल इतना बड़ा है जो आपको उनका प्रॉफिट उतना बड़ा दिखता है, वो करोड़ों में ट्रेड करते हैं तब जाके वो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख बना रहे हैं, और आप यहाँ पे 10,000 से 50,000 बनाने की सोच रहे हो। तो ये चीज है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये जरूरी बात है, जो बहुत से लोग इसलिए लूज करने डरते हैं क्योंकि उनको पता है जो अगला जो बेट लगाने वाले हैं उन अगर वो इस बेट को लूज कर गए तो अगला बेट लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये चीज सोचना होगा जो आपको कितना बेट लगाना है जो आपके पास अगला बेट लगाने के लिए भी पैसा हो। जरूरी नहीं है जो ऑप्शन बाइंग करके ही पैसा कमाए या ऑप्शन सेलिंग करके ही पैसा कमाए,
आप शुरू में कैश में भी ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, ऑप्शन ऑटोमेटिक करने लगोगे, एक बार कैपिटल बन जाएगा, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, आपको चीज़ें धीरे धीरे खुद आसान होने लगेगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास नहीं है तो आप उस चीज़ को बनाने के लिए सोचो, आपके पास जो भी स्किल है उस चीज़ को मोनेटाइज करने के लिए सोचो। हो सकता है आप किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते हो सकता है आप किसी और चीज़ में कोई काम कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग के लॉस को कंटिन्यू रिचार्ज करवा पाओ। जैसे आप फोन को रिचार्ज करते हो, ठीक उसी तरह आपको ट्रेडिंग वॉलेट को भी इनिशियल डेज में रिचार्ज करना होगा, क्योंकि वहां पे लॉस लगेंगे और बहुत से लोग जो है आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, तो उनको तो और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इसलिए रिस्क आप उतना ही लो जितना आपको पता है, जो अगला बेट भी आप ले सकते हो, और वो आपको इमोशनल प्लेन भी ना दे। ऐसा नहीं हो जो आपने 5,000 का रिस्क ले लिया 10,000 50,000 बनाने के चक्कर में, और जो है आप रात भर सो नहीं पाए, जो अब जो है नेक्स्ट डे से ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो ये चीज़ जो है आपके साथ नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो है ईगो प्रॉब्लम, जो मैंने पहले ही आपको बताया, जो बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो कि ये सोचते हैं जो वो गलत हो ही नहीं सकते हैं, मार्केट जो है गलत है वो गलत नहीं है। तो ये चीज़ तो सबसे पहले बंद कर दीजिए, जो मार्केट बिल्कुल सही है, आपको मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इसके बाद जो आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, जो लर्न नहीं करना चाहते, आप कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते, आप किसी से भी, अगर आप किसी का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखते हो तो आप कभी भी उनका प्रॉफिट मत देखो, आप जो है ये देखो जो वो कैसे कमा रहे हैं, उनका टेक्निक क्या है, क्या वो टेक्निक आपको सूट करता है, क्या आप उनके उस जो वो कमाए उससे आप कुछ सीख सकते हो। हमेशा जो है लर्निंग एटीट्यूड से कोई भी वीडियो देखोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनके पास कैपिटल है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपर्टीज है, वो कमा रहे हैं, लेकिन आप कैसे उस चीज को कर सकते हो, तो आपको वो चीज सीखना होगा। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड के साथ जो है आपको वो चीज सीखना होगा। अगर आपके पास है पैसा, आप एफोर्ड कर सकते हो 2,000 3,000 4,000 रुपया, तो आपको एटलीस्ट जो है कोई ना कोई एक कोर्स करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आप किस जिससे भी आपको चाहे आप जो है वहां से कर सकते हो, कि कोई भी एक मेंटर हो जो कि आपको लगे जो हाँ मैं इनसे कुछ सीख सकता हूँ, तो आपको डेफिनेटली वहां पे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2,000 3,000 4,000 रुपया अभी आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो जो है आपका एटलीस्ट 2 से 3 साल जो है वो आपका टाइम को मिनिमाइज कर देगा आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। देखिए एक सिंपल चीज़ समझिए, आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, आप कॉलेज को फीस देते हैं, आप डॉक्टरी करने जाते हैं, आप जो है कॉलेज को फीस देते हैं, आप कोई भी कॉलेज में पढ़ते हैं कॉलेज को फीस देते हैं, ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे आपको अपना करियर बनाना है तो अगर आपके पास एक मेंटर रहेगा तो उससे आप बहुत से सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, आप उनके एक्सपीरियंस को लिवरेज कर सकते हैं, जो बहुत से चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट किए होंगे खुद के लर्निंग के टाइम में, तो वो आपको ये चीज़ बता सकते हैं जो ये मत करो, ये मत करो, यहाँ ऐसे पैसा जाएगा, यहाँ ऐसे पैसा जाएगा, तो उन सभी चीज़ों से जो है आपका पैसा बच सकता है। हो सकता है वो जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो अगर वो आपको देंगे और उस स्ट्रेटजी के बारे में आपको सारा कुछ बता देंगे, जो आप ऐसे यूज करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे यूज करोगे तो ये होगा, तो वो सब चीज़ें जो अगर आपको इनिशियल डेज में बूस्ट मिलेगा वहाँ से, कॉन्फिडेंस आपका जो डाउन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा आपका 2 से 3 साल जो है लर्निंग कर्व वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए, अगर आप यहाँ पे 2 3 4 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल जो है वहाँ पे कर सकते हो। और जो मैंने बोनस की बात की थी, अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं आप उनके पास नहीं है पैसा, उनका कैपिटल ही 10 12 15 हज़ार है, फिर वो आपको उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपको लर्न करना चाहते हैं लेकिन उतना 2,000 3,000 4,000 रुपया नहीं देना चाहते, तो उनके लिए मैं एक सिंपल बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
जीरोधा या अपस्टॉक्स का जो है रेफरल लिंक है, आप उस रेफरल लिंक से जाके अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए। अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप वहाँ पे जो है 10 से 15 दिन ट्रेड कीजिए और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको फ्री में बिल्कुल सिखाऊंगा। जो भी मैं आपको पेड कोर्स में सिखाता हूँ सारा कुछ मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, लेकिन बस यही है जो आपको उस रेफरल लिंक के थ्रू जाना है, वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना है जीरोधा या अपस्टॉक्स में, और उसमें आपका 200 से 300 रुपया लगेगा और वो अकाउंट आपको ज़िंदगी भर काम देने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको करियर बनाना है तो 2 से 3 अकाउंट आपके पास होने चाहिए, जिसमें कि एक में आप ट्रेडिंग करोगे, एक में आप जो है स्विंग ट्रेडिंग करोगे या कैश ट्रेडिंग करोगे, किसी में आप जो है अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, तो वो जो है आप कर सकते हो। और ये चीज़ जो है बिल्कुल नॉमिनल है, इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, 200 से 300 लगेगा और जो है आप अपने कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको सारा कुछ जो है वहाँ पे फ्री में बताने वाला हूँ। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए ये चीज़ बोनस है, जो आपको ये चीज़ बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो भी मैं पेड कोर्स में देता हूँ वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री में मिलेगी। या तो अगर आपको सीखना है तो आप जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो दिया हुआ है, आप सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उसके बाद जो है आप 10 से 15 दिन ट्रेड कीजिए, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको जो है मैं अलग से पूरा एक जो भी मैं पेड कोर्स में बताता हूँ सारा कुछ जो है वो मैं आपको वहाँ पे भी फ्री में बताऊँगा। अब इसके बाद होता है जो ट्रेड ऑन द टिप्स। तो देखिए एक चीज़ मैं इससे पहले भी बोला हूँ, जो जब भी आप अपना पैसा मार्केट में डालते हैं तो वो आपका पैसा है, आपको उसको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। हो सकता है मैंने आपको बोला जो आप निफ्टी कल जाने वाला है ऊपर, आप जाके निफ्टी को बाय भी कर लोगे, लेकिन मैं कैसे एग्जिट कर रहा हूँ, आप कैसे एग्जिट कर रहे हो, दोनों में बहुत चीज़ों का डिफरेंस होता है। क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत सी चीज़ें चेंज होती है, तो हो सकता है उस चीज़ों को देखते हुए जो है मैं अपने पोजीशन साइज को मैनेज कर रहा हूँ, मैं आके आपका पोजीशन साइज मैनेज नहीं करूँगा। तो मैं जो भी आपको डेली एनालिसिस वीडियो में बताता हूँ, जो आप इस स्टॉक को इस लेवल पे शॉर्ट या बाई कर सकते हैं, तो उस वीडियो को देखने के बाद, उस लेवल्स को नोट डाउन करने के बाद, खुद से भी जाके आप जो है उस चार्ट को खोलिए, फिर देखिए जो क्या आप उस चार्ट पे उस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैंने क्यों बोला उस लेवल पे ट्रेड करने के लिए, आपको क्या लगता है, ये सभी काम आपको करने होंगे। तभी आपको नेक्स्ट जब उस ट्रेड में आप जाएंगे, उस ट्रेड में इंटर करेंगे, तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इन सभी चीज़ों का जो है आप लोग जरूर ध्यान रखिए और धीरे धीरे जो है आप लोग भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और लास्ट में आप सभी को, जो लोग भी अभी तक जुड़े हुए हैं इस वीडियो से, उन सभी को हैप्पी ट्रेडिंग। लगे रहिए, टाइम लगेगा, लेकिन आप भी जो है एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको आगे आने वाले जर्नी में जो है बहुत से काम देने वाली है। तो आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को फिर से एक बार देखिए, नोट डाउन कीजिए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।